आज मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर भुर्जी। तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जब तक ये गर्म हो रहा है मैंने जस्ट प्याज, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च काट के रख लिया। तो इन द मीन टाइम मैं पनीर को क्रश कर लेता हूँ। और अदरक और लहसुन का मैं जस्ट पेस्ट यूज करने वाला हूँ। तेल गरम हो गया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, ग्रीन चिली, प्याज, इसे थोड़ा ब्राउन होने देता हूँ। तब तक मैं पनीर को क्रश कर लेता हूँ। एक दो मिनट और,
इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे, थोड़ा गल जाए। ये टमाटर और प्याज भून गए हैं। अब मैं इसमें नमक स्वादानुसार देगी मिर्च जस्ट हो एंड हल्दी मसाला जल ना जाए सो मैं इसमें दो बड़े चम्मच पानी के डाल रहा हूँ। इसे जस्ट 1 मिनट रहने दें। ऐसे सो पनीर मैंने गर्म वो कर लिया है, सो इट्स टाइम टू ऐड पनीर इन तड़का। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस धीमी आंच पे इसे 2 से 3 मिनट कुक कर रहा है। सो आई थिंक उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। सो लेट्स कुक दिस फॉर अनदर 2 और 3 मिनट। सो उसके बाद देखेंगे हम। सो ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गए हैं। सो ये ऑलमोस्ट रेडी है। धनिया हम जस्ट ऐड कर देंगे इसे और गैस को बंद कर दीजिए। सो टंटना है, वी आर रेडी। सो प्लेट में डालिए, सर्व करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।